हरे कृष्णा डियर स्टूडेंट्स, टेक आउट योर एसेंशियल इंग्लिश बुक एंड ओपन द पेज नंबर 34. दिस इज योर चैप्टर नंबर 7, द मिस्चीवियस शेफर्ड बॉय. द चैप्टर नेम इज द मिस्चीवियस शेफर्ड बॉय. मिस्चीवियस मीन्स होता है दुष्ट. शेफर्ड जो भेड़ों को चराता है उसे शेफर्ड बोलते हैं, गडरिया. ओके, एक दुष्ट गडरिया. ओके, अबाउट द लेसन, लेसन के बारे में जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या गिवन है आपको. दिस इज द लेसन ऑफ अ मिस्चीवियस एंड अ लायर बॉय. यह जो लेसन है ये एक दुष्ट और झूठे लड़के के बारे में है. लायर मीन्स झूठा, जो झूठ बोलता है. हाउ ही गॉट हार्म टू हिज पेट्स, वो कैसे अपने पेट्स को नुकसान पहुंचाता है. बिकॉज ऑफ हिज लाई, अपने झूठ की वजह से. वी शुड स्पीक द ट्रूथ, हमें सच बोलना चाहिए. एंड अवॉइड सच काइंड ऑफ मिसचीफ, और इस तरह की दुष्टता से हमें दूर रहना चाहिए जिससे कि किसी को नुकसान पहुंचे. देयर वॉज अ शेफर्ड. शेफर्ड कौन होता है? भेड़ चराने वाला, उसको हिंदी में आप गडरिया भी बोल सकते हैं. देयर वॉज अ शेफर्ड, वहां एक भेड़ चराने वाला था. बॉय नेम्ड मोहन. There was a shepherd boy named Mohan. उस लड़के का क्या नाम था? मोहन. He used to take care of his master's sheep. वह अपने मालिक की भेड़ों की देखभाल किया करता था. He took them to the pastures near the forest every day. वह उसे जंगल के पास, पास्चर्स मीन्स होता है घास के मैदान, जहाँ पे हरियाली हो. जानवर जहाँ पे घास चरने जाते हैं उसे कहा जाता है पास्चर्स. ओके, ही टुक देम टू द पास्चर्स, वह उन्हें चराने के लिए ले जाता था जंगल के पास हर दिन, रोजाना लेकर चराने ले जाया करता था. हिज मास्टर Had told him, उसके मास्टर ने, उसके मालिक ने उसे कहा था, to call someone for help if a wolf attacked the flock. Okay, उसके मालिक ने उसे ये बोला हुआ था कि अगर कोई wolf, कोई भेड़िया भेड़ों पर हमला कर दे तो तुम किसी को मदद के लिए बुला लिया करना. फ्लॉक मीन्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ शीप, भेड़ों का समूह. वन डे ही वॉज बोर्ड. एक दिन क्या हुआ, वह बहुत ही बोर हो रहा था, उसे बहुत बोरिंग लग रहा था. ही थॉट ऑफ हैविंग सम फन, उसने कुछ मजाक मस्ती करने का सोचा. So he cried aloud. Aloud मतलब जोर से, तो इसलिए वह जोर से चिल्लाया. Wolf, wolf, the wolf is carrying away a sheep. वो जोर से चिल्लाया, wolf, wolf, भेड़िया भेड़िया. Wolf जो है वो sheep को दूर लेके जा रहा है. इस तरह से मोहन चिल्लाया. Some farmers were working nearby. Farmers means होता है किसान. कुछ किसान वहाँ पास ही काम कर रहे थे. Nearby मतलब पास में. कुछ किसान वहाँ पास में ही काम कर रहे थे. When they heard the cry, जब उन्होंने
हर्ड मीन्स सुना, चिल्लाने की आवाज को सुना। दे केम रनिंग टुवर्ड्स हिम, वे दौड़ते हुए उसके पास आए। बट वेन दे रीच्ड देयर, लेकिन जब वे वहां पहुंचे, रीच्ड मतलब पहुंचे, दे सा नो वुल्फ, उन्होंने देखा वहां पर कोई भेड़िया नहीं था। वेयर इज द वुल्फ, दे आस्क्ड, उन फार्मर्स ने, किसानों ने पूछा, वेयर इज द वुल्फ, कहाँ है भेड़िया। द बॉय लाफ्ड, लाफ्ड मीन्स हंसा, लड़का हंसा। एंड रिप्लाइड, और उसने उत्तर दिया, देयर इज नो वुल्फ, यहाँ कोई भेड़िया नहीं है। इट वॉज जस्ट अ जोक, ये तो सिर्फ एक मजाक था। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, द फार्मर्स हर्ड द सेम क्राई, कुछ दिनों के बाद किसानों ने फिर से वही शोर सुना, चिल्लाने की आवाज सुनी, वुल्फ वुल्फ। वेन दे रीच्ड देयर, और सुनकर जब वे फिर वहां पर आए, दे सा मोहन लाफिंग, उन्होंने फिर से वही देखा कि मोहन हंस रहा है। दे वेयर वेरी एंग्री, एंग्री मीन्स गुस्सा होना, बहुत नाराज होना। दे वेयर वेरी एंग्री, ऐसा देख करके वो गांव वाले किसान बहुत ही नाराज हुए। एंड वेंट बैक टू देयर वर्क, और उनके काम पर वे वापस चले गए। वन डे अ वुल्फ केम, एक दिन एक भेड़िया आया। एंड रियली वेंट आफ्टर मोहन्स शीप, और सच में, रियली मीन्स और सच में, वह भेड़िया मोहन की भेड़ों के पीछे गया। वेंट आफ्टर मतलब उनके पीछे गया। मोहन गॉट फ्राइटन्ड, फ्राइटन मीन्स होता है डर जाना, भयभीत हो जाना। मोहन डर गया एंड शाउटेड फॉर हेल्प, मोहन डर गया और मदद के लिए चिल्लाया। वुल्फ वुल्फ ही क्राइड, वह चिल्लाया वुल्फ वुल्फ। ओह द बॉय हैज ऑलरेडी फूल्ड अस ट्वाइस, द फार्मर सेड, फार्मर्स ने मोहन की आवाज सुनी, लेकिन क्या कहा उन्होंने, ओह द बॉय हैज ऑलरेडी फूल्ड अस ट्वाइस, ये लड़का हमें पहले ही दो बार बेवकूफ बना चुका है। He shall not have another chance. अब उसे दूसरा मौका अब नहीं मिलना चाहिए। Therefore, इसलिए no one came to his help. इसलिए कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। And the wolf carried one of the sheep away. और इस तरह भेड़िया उनमें से एक शीप को वहां से उठा करके ले गया। इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हम झूठ बोलेंगे, बार बार हम झूठ बोलेंगे, तो कोई भी हमारी बात का ट्रस्ट नहीं करेगा। हमने देखा लेसन में कि मोहन ने बार बार झूठ बोल के आवाज़ लगाई किसानों को, और वो बार बार उसकी मदद के लिए आए, लेकिन जब सच में मुसीबत आई तो किसी ने भी उसका विश्वास नहीं किया। इसलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। बच्चों, आज आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिए और इसका क्या मीनिंग है उसे आप समझिए। ओके, हरे कृष्णा, बाय फॉर नाउ।